इस वीडियो में जानते हैं कि ब्रह्मांड कैसे बना। अभी तक हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि समय में पीछे जाकर पता लगाए कि ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ था, पर वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की हुई कुछ थ्योरीज हैं जिससे हम जान सकते हैं कि इसका जन्म कैसे हुआ था। इसमें सबसे प्रचलित थियोरी है बिग बैंग थियोरी। आज से लगभग 13.8 अरब साल पहले इस एक बिंदु जो बहुत ही गर्म, घना और ऊर्जावान था, उसमें एक धमाका हुआ और जन्म हुआ हमारे ब्रह्मांड का। इसी के साथ समय और अंतरिक्ष अस्तित्व में आए। फिर इसी बिंदु की ऊर्जा चारों तरफ फैलने लगी और धीरे धीरे हमारा यूनिवर्स बनने लगा। जब ब्रह्मांड फैलना शुरू हुआ तब यह इतना गर्म था कि किसी भी वस्तु का अस्तित्व संभव नहीं था। चारों तरफ बस ऊर्जा ही ऊर्जा थी। फिर बिग बैंग के एक सेकंड बाद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे कण अस्तित्व में आए। अगर इस समय हम वहां मौजूद होते तो भी कुछ नहीं देख पाते, क्योंकि उस समय प्रकाश के कण अस्तित्व में नहीं थे। अगले 3,80,000 साल में यह इतना ठंडा हो गया था कि एक अणु की रचना कर सके जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। फिर इन्हीं कणों ने 400 मिलियन साल बाद मिलकर पहले तारे की रचना की। ब्रह्मांड की रचना। आज से पहले वैज्ञानिकों को यही लगता था कि ब्रह्मांड सिर्फ सामान्य पदार्थ से मिलकर बना है, जो हम देखते हैं सिर्फ वही सब कुछ है। लेकिन असल में ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे भी चीज़ों का अस्तित्व है जिन्हें हम देख नहीं सकते। क्या है, चलिए वो जानते हैं। ऑर्डिनरी मैटर, सामान्य पदार्थ जिसे हम अपने आसपास देखते हैं, जिससे हम बने हैं, जिनसे यह पृथ्वी बनी है, हमारा चंद्र, सारे ग्रह, आकाश गंगाएं और ब्रह्मांड में हम जो भी देखते हैं वो सब ऑर्डिनरी मैटर से बना है। ब्रह्मांड में इसकी मात्रा सिर्फ 4.6% ही है। ब्रह्मांड के ना दिखने वाले कण डार्क मैटर है। वर्ष 1930 के दौरान फ्रेड्स ली के नाम के वैज्ञानिक गैलेक्सी क्लस्टर की गति का अभ्यास कर रहे थे। उन्होंने देखा कि गैलेक्सी समूह के केंद्र के नजदीक थी उनकी गति और समूह के बाहरी किनारों पर आई हुई गैलेक्सी की गति लगभग समान ही थी, पर यह होना नामुमकिन था। इस आकाशगंगा के समूह में इतना द्रव्यमान नहीं था कि उससे उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण बल वह किनारों की आकाशगंगा को जोड़े रख सके। इससे अब तक तो उन आकाशगंगा के तारों को इस समूह से बाहर फेंक जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। इसका मतलब यही था कि कोई अदृश्य पदार्थ है जो इतना गुरुत्वबल उत्पन्न कर रहा है और इन गैलेक्सीज को बांधे रखा हुआ है। इस पदार्थ के बारे में हमें कुछ पता नहीं था और ना ही हम इसे देख पा रहे थे। इसी वजह से इसे डार्क मैटर नाम दिया गया। हमारे ब्रह्मांड में इसकी मात्रा 26.4% है। अब जानते हैं डार्क एनर्जी के बारे में। गुरुत्वाकर्षण बल के नियम के अनुसार यूनिवर्स में मौजूद हर चीज, अणु, परमाणु, ग्रह और गैलेक्सी गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न करते हैं, जिससे सारी चीज़ें एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती हैं। साल 1929 में एक गैलेक्सी में हो रहे सुपरनोवा पर हुई रिसर्च से यह पता चल गया था कि हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है। इससे एक बात तो तय थी कि गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से इसके फैलने की गति समय के साथ धीमी हो जाएगी, जो कि स्वाभाविक था क्योंकि ब्रह्मांड बाहर की तरफ फैल रहा था और गुरुत्वाकर्षण बल अंदर की तरफ उत्पन्न हो रहा था। पर फिर साल 1998 में वैज्ञानिकों की दो टीम ने अलग अलग गैलेक्सी के सुपरनोवा पर परीक्षण किया। इस परीक्षण में उस सुपरनोवा को जितनी दूर होना चाहिए था उससे वो अधिक था। इससे वैज्ञानिकों को पता चला कि आज ब्रह्मांड के फैलने की गति भूतकाल से ज़्यादा है। इसका मतलब हमारे ब्रह्मांड की फैलने की गति लगातार बढ़ रही है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? उसे गुरुत्व बल की वजह से धीमा हो जाना चाहिए था। मतलब कोई रहस्यमय बल जरूर था जो हमारे ब्रह्मांड को फैला रहा था,
उस समय यह ब्रह्मांड का रहस्य किसी भी वैज्ञानिक को समझ नहीं आया, इसीलिए उस चीज के समाधान के लिए उसे डार्क एनर्जी नाम दे दिया गया, जिसकी मात्रा ब्रह्मांड में 69% है। तो इन्हीं चीजों से मिलकर बना है हमारा ब्रह्मांड। ब्रह्मांड का आकार, अभी तक हम यह नहीं जानते हैं कि ब्रह्मांड का आकार क्या है, लेकिन इसकी घनता पर से अंदाजा लगाया गया है। अगर ब्रह्मांड के घनत्व का मूल्य 1 से ज़्यादा है तो इसका आकार बंद गोले जैसा होगा, एकदम हमारी पृथ्वी की तरह। इसका मतलब है कि हमारे ब्रह्मांड का कोई छोर या किनारा नहीं होगा, लेकिन यह अनंत भी नहीं होगा। लेकिन अगर घनत्व का मूल्य 1 से कम है तो यूनिवर्स बाहर की तरफ फैलता नजर आएगा। तीसरी स्थिति यह है कि अगर घनत्व का मूल्य 1 होगा तो ब्रह्मांड का आकार समतल होगा, यह हमेशा से फैलता जाएगा और इसकी कोई सीमा नहीं होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।